Hello student, today I am going to start new chapter, Principles of Inheritance and Variations. First one, variations. Definition of variation. Offsprings are not the carbon copy of their parents. जो संतान होती है वो बिल्कुल माता पिता के समान नहीं होती. They differ from their parents in some characters. वो 90% अगर पेरेंट्स के जैसी है लेकिन उसमें 10% कुछ डिफरेंस है. तो जो सिमिलरिटीज है उसके अलावा जो डिसिमिलरिटी शो होती है बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, वो जो डिसिमिलरिटीज है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स में उसको वेरिएशंस कहते हैं. नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ वेरिएशंस. हेरेडिटरी वेरिएशंस, ऐसे वेरिएशन जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं उनको हेरिडिटरी वेरिएशंस कहते हैं. एनवायरमेंटल वेरिएशंस, जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होते, जो आप अचीव करते हो एनवायरमेंट से, जैसे स्किन कलर. जब आप यंगर स्टेज में थे आपके स्किन का कलर बहुत फेयर था, लेकिन बाद में आप ऐसा जॉब करने लगे, एटमॉस्फेयर में सन के कांटेक्ट में ज़्यादा रहने लगे, तो उस कंडीशन में आपके जो स्किन का कलर है वो डल हो गया. तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो ऑफस्प्रिंग्स होगी वो भी कैसी होगी, डल कलर की होगी. मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस ट्रांसफर नहीं होते. तो जो वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होते उनको एनवायरमेंटल वेरिएशंस कहते हैं. जैसे आप जिम जाते हो और आप अपने मसल्स को डेवलप करते हैं, अच्छी बॉडी बना लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो ऑफ स्प्रिंग्स होगी उसके अंदर ऑलरेडी डेवलप्ड मसल्स होंगे. आपने ये वेरिएशन अचीव किया बाय एनवायरमेंट्स, तो आपकी जैसी डेथ होगी तो ये वेरिएशन आपकी डेथ के साथ फिनिश हो जाएगा. थर्ड वन, सोमेटिक वेरिएशंस. अगर कोई वेरिएशंस बॉडी के सोमेटिक सेल्स में होते हैं जिसमें बॉडी की ग्रोथ होती है तो उस वेरिएशन को सोमेटिक वेरिएशंस कहते हैं. ये भी जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट नहीं होते, ट्रांसफर नहीं होते. नेक्स्ट वन, जर्मिनल वेरिएशंस. अगर कोई वेरिएशंस बॉडी की सेक्स सेल्स या जनरेटिव सेल्स में हो रहा है तो ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगा. नेक्स्ट वन, कंटिन्यूअस वेरिएशन. इन दिस टाइप्स ऑफ वेरिएशन मेनी इंटरमीडिएट सिचुएशन आर फाउंड बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑफ कैरेक्टर. For example, height of men show the continuous variation because human beings show a range of height between a shortest and tallest person. Similar in the case for skin color in human beings. जैसे दो कपल से एक की हाइट अगर 5 है और दूसरे की अगर 6 है तो उनकी जो ऑफ स्प्रिंग्स होगी 5 टू 6 के बीच में होने की पॉसिबिलिटी होती है. ना तो 5 होगी ना 6 होती है, मतलब इंटरमीडिएट कंडीशन में होगी. मतलब कुछ चाइल्ड का जो हाइट होगी वो 5.4 भी हो सकती है, कुछ की 6 भी हो सकती है, कुछ की 5.8 भी हो सकती है, मतलब इंटरमीडिएट कंडीशन हो सकती है. नेक्स्ट वन, डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन. दिस वेरिएशन शो ओनली टू एक्सट्रीम ऑफ फीचर्स. तो इसके अंदर दो फीचर्स हो सकते हैं वेरिएशंस के, जैसे हाइट ऑफ पी प्लांट. या तो पी प्लांट बहुत लेंथी होंगे जिनकी लेंथ ज़्यादा होगी, और कुछ जो होंगे वो बोने होंगे. इनमें इंटरमीडिएट कंडीशन नहीं होती, दो सिचुएशन होती, या तो पूरे लंबे होंगे या फिर बोने होंगे. तो इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूएशन वेरिएशंस. नेक्स्ट वन, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस. वेरिएशंस अगर होते रहते हैं तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग एडॉप्ट कर लेते हैं. दे आर हेल्पफुल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म. आप अगर एडॉप्ट होंगे, वेरिएशंस होंगे, आप नए नए एडॉप्टेशन को एडॉप्ट कर रहे हैं तो आप सर्वाइव ज़्यादा कर पाओगे. न्यू ट्रेंड डेवलप थ्रू द डिसकंटिन्यूएशन वेरिएशंस. जो डिसकंटिन्यूएशन वेरिएशंस होते हैं उसके द्वारा न्यू ट्रेड्स या न्यू सिम्टम्स या न्यू करेक्टर्स डेवलप होते हैं. वेरिएशंस आर द पाथ ऑफ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज. जो न्यू स्पीशीज का ओरिजिन और रिवॉल्यूशन होता है वो वेरिएशंस के द्वारा ही पॉसिबल होता है. वेरिएशन प्रोवाइड आइडेंटिटी टू एवरी ऑर्गेनिज्म. आप में अगर वेरिएशंस हो रहे हैं तो आप नई नई चीज़ों को एडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके कारण आपको क्या हो रहा है, एक आइडेंटिटी मिलेगी. आइडेंटिटी
जिसकी ऑर्गेनिज्म डायनेमिक इवोल्यूशनरी, जिसके कारण जो इवोल्यूशन होता है डायनेमिक होता है, मतलब जो स्पीशीज है वो सेम नहीं रहेगी, आने वाले दिनों में स्पीशीज में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, मतलब इवोल्यूशन की प्रोसेस कैसी है, डायनेमिक है। डिफरेंस बिटवीन क्लोन एंड ऑफस्प्रिंग्स, जो क्लोन होते हैं मोनोपेरेंटल होते हैं, इनका जो ओरिजिन होता है वन पेरेंट से होता है, जबकि ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं बायपेरेंटल होते हैं, दो पेरेंट्स के द्वारा ओरिजिनेट होते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्लोन एंड ऑफस्प्रिंग, जो क्लोन फॉर्म होते हैं वो मोनोपेरेंट से मतलब सिंगल पेरेंट से होते हैं, जबकि ऑफस्प्रिंग का जो फॉर्मेशन होता है बाय पेरेंट्स, मतलब इसमें रिक्वायरमेंट होती है दो पेरेंट्स की। जो क्लोन फॉर्म होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। जो क्लोन फॉर्म होंगे वो माइटोटिक डिविजन से होते हैं, उसमें गेमिट का कोई फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होती है वो मियोसिस डिवीजन से होती है, इसमें गेमिट्स फॉर्म होते हैं। जो क्लोन का फॉर्मेशन होता है इसमें गेमिट का कोई फ्यूजन नहीं होता है, लेकिन ऑफस्प्रिंग के फॉर्मेशन में गेमिट्स का फ्यूजन होता है। जो क्लोन्स होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल सेम्स होते हैं देयर पेरेंट्स से, जैसे पेरेंट्स होते हैं एज इट इज क्या होते हैं क्लोन्स होते हैं, जबकि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं अपने पेरेंट्स से डिफर होते हैं, क्योंकि इनका जो जेनेटिक मेकअप होता है, जेनेटिक जो स्ट्रक्चर होता है पेरेंट्स से अलग होता है। जो क्लोन होते हैं वो फिजिकली उनका आउटर लुक जो होता है वो पेरेंट्स के समान होता है, जबकि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं इनका जो फिजिकल लुक होता है 99% अगर सिमिलर होगा, लेकिन 10% उसमें कुछ डिसिमिलरिटीज होगी। मेंडल एक्सपेरिमेंट विद द रेफरेंस टू पी, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, सबसे पहले इन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, इनके कारण इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इनने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट को लिया था, जिसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाइवा। तो उनने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया, इसके क्या रीज़न है? तो पहला रीज़न है फ्लावर ऑफ पी प्लांट आर बायसेक्सुअल, जो पी प्लांट का फ्लावर होता है बायसेक्सुअल होता है, इसमें नेचुरली सेल्फ पोलिनेशन होता है, उसी के पोलन ग्रेन्स उसी के स्टिगमा पर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। इट इज एन एनुअल प्लांट, एक साल के अंदर इसको लगाओ और इसमें फसलें आ जाती है, शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, और इसके अंदर सेवरल जनरेशन के अंदर इसकी स्टडी की जा सकती है बहुत कम समय में। स्ट्रक्चर ऑफ द कोरोला ऑफ द फ्लावर इन सच दैट द सेक्स ऑर्गन रिमेन्स वेल द प्रोटेक्टेड एंड वर द बियॉन्ड द रीच of foreign pollens, thereby the ensuring the self pollination. इनके जो फ्लावर होते हैं उसके अंदर जो कोरोला होते हैं इतने बड़े होते हैं कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इन कोरोला के द्वारा ढके रहते हैं, ताकि उसमें सेल्फ पोलिनेशन की प्रोसेस हो सकती, कोई फॉरन पोलन इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता है। ईजी टू क्रॉस बिकॉज पोलन्स फ्रॉम वन प्लांट कैन बी इंट्रोड्यूस टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट बाय द रिमूविंग एंथर। यदि इन फ्लावर के एंथर को रिमूव कर दिया जाए तो दूसरे जो फॉरेन पोलेंस होते हैं उसके द्वारा इसमें क्रॉस पोलिनेशन भी करवाया जा सकता है। मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट लिया था तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टर लिए थे जो कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, अपोजिट कैरेक्टर है। जैसे शीट का शेप, जो बीज है उसका आकार कैसा है, तो राउंड भी और रिंकल्ड भी। जो राउंड है वो डोमिनेंट है और रिंकल जो है रेसेसिव है। कॉटिलीडन्स कलर येलो भी है और ग्रीन भी। जो येलो कलर होता है वो डोमिनेंट होता है और ग्रीन रेसेसिव होता है। शीट कोट कलर, बीज का जो कवर होता है, शीट का जो कोट होता है, उसका कलर ग्रे भी होता है वाइट भी होता है। जब ग्रे होगा तो डोमिनेंट होगा और जब वाइट होगा तो रेसेसिव होगा। तो ये इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे जो एक दूसरे के अपोजिट। टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स, सबसे पहला आता है जीन। इस टर्म को कॉइन किया था डब्ल्यू जोहेंसन ने। जीन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल्स और लाइफ, जो कहाँ पाई जाती, क्रोमोसोम्स में। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो
जो यूनिट पाई जाती है, जो फंक्शनल यूनिट होती है, उसको जीन्स कहते हैं। और जो जीन्स होते हैं, ये कैरेक्टर्स को जनरेशन टू जनरेशन पास करते हैं। एन इनहेरिटेड फैक्टर विच डिटरमाइन द बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जीन्स, सेकेंड डेफिनेशन। ऐसे फैक्टर्स जो ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोलॉजिकल कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं, उनको जीन्स कहते हैं। मतलब कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने का जो काम करते हैं, वो जीन्स होते हैं। सेकेंड, एलील और एलीलोमॉर्फ। पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ट्रेट इज कॉल्ड एलील और एलीलोमॉर्फ। जो कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर है वो पेयर में होते हैं, तो वो जो पेयर होता है उसको एलील या एलीलोमॉर्फ कहते हैं। जैसे लेंथ का कैरेक्टर लेंगे तो लेंथ में या तो कुछ प्लांट लंबे होंगे और कुछ कैसे होंगे, ड्वार्फ होंगे, तो ये कैरेक्टर एक साथ रहता है। तो इनका जो पेयर होगा वो एलील और एलीलोमॉर्फ होता है। जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी है तो दोनों टॉल प्लांट है, लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो कैपिटल टी किसको डिनोट करेगा, टॉल प्लांट को, स्मॉल टी किसको डिनोट करेगा, ड्वार्फ प्लांट को। तो ये कैरेक्टर एक साथ रहते हैं, तो इनको क्या कहेंगे, एलील या एलीलोमॉर्फ लोकस। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके ऊपर सिचुएटेड होते हैं जीन्स, तो क्रोमोसोम्स के जिस जगह पे जीन्स सिचुएटेड होते हैं उस प्लेस को लोकस कहते हैं। नेक्स्ट वन, होमोजाइगस। अगर एलील सिमिलर है, दोनों कैपिटल टी है दोनों स्मॉल टी है, तो वो होमोजाइगस होंगे। लेकिन अगर एलील्स के अंदर एक कैपिटल एक स्मॉल है, जैसे एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो उसको हेटरोजाइगस कहेंगे। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, फिनोटाइप मतलब आउटर लुक। जेनेटिकल जो मेकअप होता है, जीन्स का जो मेकअप होता है वो जीनोटाइप होता है, मतलब इंटरनल होता है। वो जो आउटर लुक होता है, फिजिकल अपीयरेंस होता है, वो फिनोटाइप होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन द सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जब आप सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवा रहे हो उसमें, तो उस क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे आप कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये एक सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। कैपिटल टी किसको डिनोट करेगा, टॉल प्लांट को, स्मॉल टी किसको डिनोट करेगा, ड्वार्फ को। इस सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर को क्रॉस करवा दो आप, तो उसको मोनोहाइब्रिड का क्रॉस कहेंगे। उसी तरह से दो पेयर लोगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के और उनको क्रॉस करवाओगे तो डाईहाइब्रिड क्रॉस होगा। एग्जाम्पल है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसका क्रॉस अगर करवा दो आप स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये क्या होगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। क्रॉसिंग ऑफ एफ वन इंडिविजुअल विथ रेसेसिव प्लांट। जैसे आपने टाल प्लांट का क्रॉस करवा दिया ड्वार्फ के साथ, तो एफ वन जनरेशन में क्या बनेंगे, हाइब्रिड टाल प्लांट बनेंगे। मतलब अभी ये कौन सा कैरेक्टर शो हो रहा है, कैपिटल टी वाला, लेकिन कौन सा कैरेक्टर शो नहीं हो रहा है, स्मॉल टी वाला। अब जो एफ वन जनरेशन बनी है उसका वापस से क्रॉस करवा दो आप ड्वार्फ प्लांट के साथ, तो उसको क्या कहेंगे आप, टेस्ट क्रॉस। जैसे टेस्ट क्रॉस में ये एफ वन जनरेशन है तो हाइब्रिड टाल प्लांट है, तो यहाँ कैरेक्टर कौन सा शो हो रहा है, कैपिटल टी वाला, मतलब हाइब्रिड टाल प्लांट है। अब कैरेक्टर कौन सा नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ड्वार्फ वाला, तो इस एफ वन जनरेशन का क्रॉस आपने किससे करवा दिया, आपने स्मॉल टी से, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस। लेकिन बिग क्रॉस, जब आपने टाल प्लांट का क्रॉस ड्वार्फ प्लांट से करवाया और एफ वन जनरेशन में क्या बना आपका, हाइब्रिड टाल प्लांट। अब हाइब्रिड टाल प्लांट का क्रॉस अगर करवा दो आप किसके साथ, या तो कैपिटल टी के साथ भी करवा सकते हैं या स्मॉल टी के साथ भी करवा सकते हैं, तो उस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे, बिग क्रॉस कहेंगे। यूजेस ऑफ बिग क्रॉस, इट
इट इज ऑफन यूज बाय द एनिमल एंड प्लांट ब्रीडर्स टू रैपिडली इम्प्रूव अ ब्रीड बाय मेकिंग अ यूजफुल ट्रेट होमोजाइगस दैट इट इज प्योर। तो ये एनिमल प्लांट में क्या करवाया जाता है जनरली, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको जो ब्रीड मिले वो इम्प्रूव क्वालिटी की मिले। दिस टेक्निक इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज ऑफ प्लांट। इस टेक्निक का यूज सब भी किया जाता है ऐसे प्लांट को डेवलपमेंट करने में, ताकि उसके अंदर कोई डिजीज ना हो। नेक्स्ट वन आता है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल मतलब होता है एक दूसरे का उल्टा। अ सेट ऑफ टू रेसिप्रोकल क्रॉसेस मीन दैट द सेम टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स लिए हैं, आर यूज इन टू एक्सपेरिमेंट इन सच वे अ दैट। तो यहाँ दो पेरेंट लेना है आपको और उनमें क्रॉस करवाना। पहले जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर ए जो था वो फीमेल था और बी जो था वो मेल था। अब जो दूसरा एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसके अंदर ए को आपको मेल मानना है और बी को आपको फीमेल मानना है। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में ए को क्या माना था, फीमेल, तो दूसरे वाले में ए को क्या मान लिया आपने, मेल। पहले वाले में बी को क्या माना था आपने, मेल, और दूसरे वाले में बी को क्या मान लिया, फीमेल। तो पहला एक्सपेरिमेंट करो और दूसरा एक्सपेरिमेंट करो तो जो मेल होता है वो फीमेल हो जाएगा, जो फीमेल होता है वो मेल हो जाएगा। तो ये जो क्रॉस होगा उसको रेसिप्रोकल क्रॉस कहेंगे। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि कैपिटल टी जो है उसका क्रॉस आपने स्मॉल टी के साथ करवाया। कैपिटल टी जो है वो टाल प्लांट है और ड्वार्फ जो है वो स्मॉल टी है। इनसे जो गैमेट बने वो कैपिटल टी और स्मॉल टी बने। इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो उससे जो F1 जनरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, हाइब्रिड टाल प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जो F1 जनरेशन बनी है उसको F1 जनरेशन से क्रॉस करवा दो आप, तो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाओगे तो उससे जो गैमेट बनेंगे, एक गैमेट बनेगा कैपिटल टी, एक गैमेट बनेगा स्मॉल टी, एक गैमेट बनेगा कैपिटल टी और एक गैमेट बनेगा स्मॉल टी। मतलब चार गैमेट बनेंगे, दो कैपिटल टी वाले दो स्मॉल टी वाले। और जब इनको क्रॉस करवाओगे तो नेक्स्ट जनरेशन रहेगी F2 जो जनरेशन रहेगी, कुछ जो प्लांट बनेंगे वो प्योर टाल प्लांट बनेंगे, मतलब कैपिटल टी कैपिटल टी। कुछ जो प्लांट बनेंगे वो कैसे रहेंगे, हाइब्रिड टाल प्लांट मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। और कुछ प्लांट जो बनेंगे वो कैसे रहेंगे, स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ प्लांट। मतलब रेशो कितना हो गया, 1:2:1 हो गया। तो 1:1 जो बना है, 25% जो प्लांट बने हैं प्योर टाल प्लांट बने हैं, तो 25% को 1 माना है आपने। और 1% जो बने हैं आपके ड्वार्फ प्लांट बने हैं, जो कि आपने 25 को 1% माना है। अब रिमेनिंग कितने बचे, 25 50 हो गए। अब बचे कितने आपके, 50%। तो 50% जो प्लांट बने वो हाइब्रिड टाल प्लांट बने, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी बने हैं। तो जो 50 है उसको आप 2 मानोगे, तो इनका जो रेशियो होगा 1:2:1 होगा रेशियो। मतलब 75% जो प्लांट बने वो कितने आपके, टाल प्लांट है, और 25% जो कैसे बने आपके, ड्वार्फ प्लांट बने। तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा इनका, 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1। डाईहाइब्रिड क्रॉस, जब क्रॉस करवाया जाता है टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर, तो उसको डाईहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो यहाँ जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर होंगे वो क्या होंगे, राउंड एंड येलो शीट। और राउंड को डिनोट करेंगे कैपिटल आर कैपिटल से, आर से, और येलो को डिनोट करेंगे कैपिटल वाई कैपिटल वाई से। उसी तरह सेकेंड जो पेयर लेंगे उसके अंदर रिंकल्ड और ग्रीन शीट होंगे। रिंकल डिनोटेड करेंगे स्मॉल आर से, तथा ग्रीन को डिनोटेड करेंगे स्मॉल वाई से। इस डायग्राम में आप देखेंगे दो पेरेंट्स। पहला जो पेरेंट है राउंड एंड येलो वाला, जिसको किससे डिनोट किया है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। और दूसरा जो पेरेंट है आपका कैसा है, रिंकल्ड और ग्रीन है, उसको किससे डिनोट करेंगे आप, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इससे जो गैमेट बनेगा वो कौन सा गैमेट बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इससे जो गैमेट बनेगा वो स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेगा। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो उससे जो हाइब्रिड बनेगा वो क्या बनेगा, राउंड एंड येलो। अब राउंड एंड येलो क्यों बनाए, क्योंकि ये जो कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है डोमिनेंट कंडीशन में,
और स्मॉल आर और स्मॉल वाई जो है रेसेसिव कंडीशन में, जो डोमिनेंट होता है वो शो होता है और जो रेसेसिव होता है वो शो नहीं होता है। अब जो F1 जनरेशन बनी है राउंड एंड येलो, इसी का क्रॉस वापस किससे करवा दिया जाए, राउंड एंड येलो से, तो क्या प्रोजेनी बनेगी, क्या जनरेशन बनेगी, अब उसको अपन देखेंगे चेकर बोर्ड के द्वारा। ये जो डायग्राम है चेकर बोर्ड का है, तो आपने F1 जो जनरेशन बनी थी वो क्या थी, राउंड एंड येलो, और राउंड एंड येलो जब इस पे क्रॉस करवाएंगे तो प्रोजेनी क्या बनेगी। तो जो राउंड एंड येलो है मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इससे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, फोर कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहला जो कॉम्बिनेशन बना हो क्या है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। दूसरा जो कॉम्बिनेशन बना हो क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तीसरा जो कॉम्बिनेशन बना है कैपिटल आर स्मॉल वाई, और चौथा जो कॉम्बिनेशन बना है कैपिटल आर और स्मॉल वाई। सेम कॉम्बिनेशन इधर भी फोर बनेंगे, तो ये F1 हाइब्रिड है और ये भी F1 हाइब्रिड है। यहाँ पर जो है वो क्या है, मेल है, और यहाँ पर जो है वो फीमेल है। तो अब इनका जब क्रॉस करवाएंगे तो ये जो आर होगा कैपिटल आर होगा, इस कैपिटल आर से क्रॉस करेगा और ये कैपिटल वाई इस कैपिटल वाई से क्रॉस करेगा, तो बनेगा क्या, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब ये जो कैपिटल आर वाई ये किससे क्रॉस करेंगे, इससे क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब ये जो होगा वो किससे क्रॉस करेगा, इससे क्रॉस करेगा। उसके बाद जो कैपिटल आर वाई किससे क्रॉस करेगा, इससे क्रॉस करेगा। उसके बाद ये जो है दोनों किससे क्रॉस करेंगे, इससे क्रॉस करेंगे। उसके बाद ये किससे क्रॉस करेंगे, इससे क्रॉस करेंगे। उसके बाद ये किससे क्रॉस करेंगे, इस कैपिटल आर वाई से करेंगे। उसके बाद ये किससे क्रॉस करेंगे, इससे क्रॉस करेंगे। सेम ये जो होंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये किससे क्रॉस करेंगे, इससे करेंगे पहले क्रॉस, फिर इसके बाद इससे क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद इससे क्रॉस करेंगे, उसके बाद फिर इससे क्रॉस करेंगे। सेम जो होंगे स्मॉल आर वाई, ये पहले किससे क्रॉस करेंगे, इससे, फिर उसके बाद किससे क्रॉस करेंगे, इससे क्रॉस करेंगे, फिर इससे क्रॉस करेंगे, इससे क्रॉस करेंगे, और फिर किससे क्रॉस कर लेंगे, इससे क्रॉस करेंगे। तो इनके क्रॉस करने से क्या होगा, आपको सेकेंड जनरेशन F2 जनरेशन मिलेगी। तो जो F2 जनरेशन मिलेगी वो कैसे मिलेगी, राउंड इन येलो मिलेगी, राउंड इन ग्रीन और रिंकल्ड मिलेगी, किस तरह की मिलेगी वो देखते हैं। अब जो F2 जनरेशन मिली उसमें 9 जो शीट मिले आपको कैसे मिले, राउंड इन येलो। 3 जो मिले वो कैसे, रिंकल्ड इन येलो, और 3 जो मिले वो कैसे, राउंड इन ग्रीन, और 1 जो मिला है वो कैसा है, रिंकल्ड इन ग्रीन। तो रेशियो क्या बन गया, 9:3:3:1। ये आपको चेकर बोर्ड के द्वारा प्रूफ करना होता है, डायहाइब्रिड को क्रॉस को।